महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब शिवसेना अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस भी अब शिवसेना के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना सीबीआई जांच का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस चाहती है कि मामले की जांच सीबीआई करे। बीते दिनों एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की नींद उड़ सकती है। शरद पवार ने कहा है कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शरद पवार ने कहा कि सीबीआई जांच कराए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है, इसलिए इस पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही इन्होंने मुंबई पुलिस को लेकर कहा कि मुंबई पुलिस किसी भी जांच में सक्षम है। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर इस केस की सीबीआई जांच की मांग भी कर चुके हैं। पार्थ पवार ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सही जांच होनी चाहिए, ये पूरे देश विशेषकर युवाओं की भावना है। वहीं कांग्रेस को भी सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस मामले में शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोला। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निरुपम ने इस मामले को सीबीआई जांच ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा था कि जांच में देरी होने पर मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े होंगे। कांग्रेस और एनसीपी के एक साथ आने के बाद अब शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि पवार के बयान के बाद शिवसेना का बैकफुट पर आना निश्चित है, क्योंकि गठबंधन के मुख्यमंत्री भले ही उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन सरकार की लगाम पवार के पास ही है और अब पवार ने साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच से उनको आपत्ति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।